हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप एक टीचर हैं और क्लासेस लेते हैं, या फिर आप एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं? तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बात कुछ स्टेप बताऊंगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? भी चाहते हैं कि क्लास लेकर उसका रिकॉर्डिंग करें और बच्चों को दें, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ और उसी को बच्चों को दे सकता हूँ। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, आप उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और बच्चों को दे दीजिए। तो कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा ही काम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या है, हमको भी एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और जब अपना PPT स्टार्ट करेंगे तो उस समय इस रिकॉर्डिंग को ऑन कर दें। इसमें PPT की भी रिकॉर्डिंग होगा और आपका चेहरा भी रिकॉर्ड होगा। तो इससे उससे होगा क्या, एक साथ आप चेहरा और PPT भी रिकॉर्ड कर लेंगे, साउंड भी रिकॉर्ड हो जाएगा और जब उसी को बच्चों को देना है तो उसे चलते हैं। तो कैसे रिकॉर्ड करना है देखने के लिए, सबसे पहले आप एक्टिव प्रेजेंटर को इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यह बिल्कुल फ्री है। यस, बिल्कुल फ्री है। इसमें आपको कुछ एडवांस यूज करना है, एडवांस कमांड यूज करना है, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। बस एक्टिव प्रेजेंटर का एक लोगो आ जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और ले चलता हूँ आपको मैं वहाँ पर। आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल में जाइए और एक्टिव प्रेजेंटर सर्च कीजिए, एक्टिव प्रेजेंटर डाउनलोड सर्च कर लीजिए। उससे आएगा आपके पास बहुत सारे लिंक आएंगे आने को, तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा डाउनलोड करना है। वैसे होने को बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, पर मैंने 10 से ऊपर ही यूज किया है और मेरे को ये सबसे बेहतर लगा, इसलिए मैं इसको इंस्टॉल कर लिया और आपको बता रहा हूँ। वैसे और भी है, मैं बताऊंगा, आप चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। तो ये एक्टिव प्रेजेंटर का वेबसाइट आ गया, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप एक्टिव प्रेजेंटर जो भी आपका वर्जन है, अगर आपका सिस्टम 32 बिट एक्सेप्ट करता है तो 32 बिट कीजिए। मेरा यहाँ पे 64 बिट है, तो मैं इसको यूज कर लूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड प्रेस कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ कैसे इंस्टॉल किया और कैसे यूज करते हैं। इसको आप सेव प्रेस कीजिएगा तो ये सेव हो जाएगा और उसको सिंपल रन करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप देख भी सकते हैं। तो अब ले चलता हूँ मैं कैसे यूज करना है उसको। अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना मैं, उसी से कर रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये रिकॉर्डिंग है, यहाँ पे जब स्विच ऑफ करना रहता है यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा एक्टिव प्रेजेंटर लॉक, और यहाँ पे ये जो है आप इसमें प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये स्विच ऑफ रिकॉर्डिंग हो जाएगा और सेव, आपको सेव करने के लिए आएगा ऑप्शन आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये आ रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है, अभी ये ले रहा है थोड़ा टाइम, जैसे कि आप यहाँ पे आ गया, मैंने अभी जो रिकॉर्डिंग कर रहा था वो यहीं पे आ गया, अभी देख सकते हैं यहाँ पे, इसको मैं आ गया अपनी ये। अब इसी को मैं वहाँ पे डाल सकता हूँ, इसमें से आप इसको ग्रीन स्क्रीन को हटाना चाहे तो ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं। ये वीडियो था ना मेरा, तो देखिए यहाँ पे जहाँ से काटना है उतने पोर्शन को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से काट लीजिए, और इसके बाद आपको सेव करना है तो उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं। और रिकॉर्डिंग कैसे करना है उसको बता दूं मैं, ये तो पहले से रिकॉर्ड हो चुका है। एक्टिव प्रेजेंटर में जाएंगे, रिकॉर्ड वीडियो करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे। ये सॉफ्टवेयर बहुत वास्ट है और बहुत कुछ यूज कर सकते हैं आप यहाँ बहुत सारे देख सकते हैं यहीं पर, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ। जैसे रिकॉर्डिंग करना है तो रिकॉर्ड वीडियो जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड वीडियो क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा ऐसे। आप फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन कीजिए, कस्टम करना है कस्टम कीजिए, कैमरा ऑन करना है तो कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। ये साउंड रिकॉर्डिंग के लिए है,
यहाँ रिकॉर्ड जैसे ही प्रेस करेंगे रिकॉर्डिंग हो जाएगा, और इसको मैं अभी ऑफ करता हूँ, रिकॉर्ड करना नहीं है ना मेरे को। तो यहाँ पे वापस आ गया, और ये रिकॉर्ड होने के बाद आप जो भी चाहें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड और बहुत सारा कमांड यहाँ पे थोड़ा देख सकते, आप यूज करो देख लोगे। और जैसे कि मैं यहाँ से इसको दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके पहले के पोर्शन फर्स्ट में है और बाद वाला पोर्शन सेकेंड में है। कुछ वैसे आप कर सकते हो, आप देखोगे तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लगेगा, एक दिन में सीख जाएंगी। और एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाइएगा, एक्सपोर्ट में वीडियो कर दीजिए, एक्सपोर्ट हो जाएगा। बाकी बहुत सारे कमांड है, आप चाहें तो जो चाहे यूज कर सकते हैं, ट्रांजिएंट, और दो लेयर के बीच में ट्रांजिएंट है, अगर आप इमेज देना चाहते तो इमेज भी दे सकते हैं। और इसी में आप अगर कोई वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई अगर डिफरेंट वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट जाइए, इंसर्ट जाके ऑडियो इंसर्ट करना है, ऑडियो आप ऐड कर सकते हैं, वीडियो करना है वीडियो करें, इमेज चाहिए तो इमेज। मैं जैसे कि यहाँ पे एक ऑडियो इंसर्ट करना हूँ मैडम, तो फ्रॉम फाइल कर लेता हूँ मैं, आप देखिए कैसे इंसर्ट करते हैं रिकॉर्डिंग वीडियो। जैसे यहाँ पे है, ये तो होने को बहुत सारे यहाँ पे फ्री म्यूजिक है, मैं पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ ना, आप ओपन कीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक और आ गया, तो आप चाहे तो इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं और इसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, जिस जो भी चाहे जिसका वॉल्यूम जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, क्लिक की यहाँ पे और यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाने का आ रहा है लाइक दैट। इसका मेरे को वॉल्यूम बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं, मैं बढ़ाता हूँ, देखिए क्या होता है, देखिए बढ़ गया ना ये भी। तो इस तरह से आप वॉल्यूम को एडजस्ट और कम ज़्यादा कर सकते हैं, और किसी को आपको पहले लाना तो पहले ला सकते हैं, किसी को बाद में लाना है बाद में, इसके आगे पीछे भी कर सकते हैं। और मैं इस एक मिनट में यहाँ बताता हूँ ना, इसी में बताता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ चला जाता हूँ। जैसे कि मेरे को ये पीछे का बैकग्राउंड हटाना था, लेट सपोज, तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर को मैं हटाना है, तो मैं सेलेक्ट किया इसको, यहाँ पे आप नीचे चले जाइए, यहाँ पे क्रोमा इफेक्ट है, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट, आप ग्रीन कलर लो तो ग्रीन कलर, कोई और कलर ना तो कोई और कलर भी ले सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो कलर सेलेक्ट करना है जो सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आई ड्रॉपर क्लिक कीजिए, जो कलर हटाना है उस कलर में क्लिक कीजिए। मैं इसको ये कलर हटाना है, क्लिक किया मैं, यहाँ पे ये एक टू प्रेजेंटर का लोगो आ जाएगा। अब इसके बाद में अगर एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो, क्योंकि ये एडवांस टूल है यूज किया मैं, अब देखिए ये पीछे का हट गया है, और रन करूँगा तो कुछ इस तरीके से रन होगा, ये आप देख सकते हैं वो रन हो रहा है, मेरा इधर वीडियो चल रहा है उधर वो रन हो रहा है, और वो जो पीछे ग्रीन कलर था वो हट गया। अब लिखने का आएगा तो लिखने का भी आ जाएगा, इसके बाद देखिए लिखने का आ गया ना, और जो ग्रीन कलर था वो हट गया है, अभी ग्रीन कलर है नहीं। आप चाहे तो येलो कलर चाहे हटाना चाहे तो येलो कलर हटा सकते हैं, जो चाहे हटा सकते हैं, और एक्सपोर्ट कीजिए। अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए जिसे रिकॉर्डिंग करें तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको और चार पांच ऐसे सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो बहुत ही यूजफुल है। ये एक था जो बहुत अच्छा लगा मेरे को, इसलिए बता दिया, और जैसे कि फिल्मोरा है और बहुत अच्छे अच्छे हैं, OBS है, मैंने यूज भी किया है, और आप चाहते हैं तो उसका क्रैक भी मैं दे सकता हूँ, कमेंट में लिखिए आपको क्रैक मिलेगा। और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, जिसमें पूरा डिस्क्राइब करूँगा हाउ टू यूज फिल्मोरा। थैंक यू।